मैं आज आपको कोवैम के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा और इसको प्रेगनेंसी के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर यूज़ करना है या नहीं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूँ और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके यूजेस बताने से पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कोवैम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो एम्लोडिपिन है और वेलसार्टन है। एम्लोडिपिन यहाँ पे 5 mg है और जो वेलसार्टन है वो 80 mg है। और ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे एज अ कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं कोवैम के अंदर। ये 14 tablets हैं और जो इसके मैनुफैक्चरर हैं वो गैट्स फार्मा है। ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जो है दोनों एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का कॉम्बिनेशन है यानी कि ये दोनों जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिंस हैं। तो चले अब मैं इसका लीफलेट निकाल रहा हूँ, उसमें हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। तो ये रहा इसका लीफलेट। तो चले अब इसके जो है यूजेस देख लेते हैं। ये जो मेडिसिन है कोवैम ये जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। ये जो है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में यूज़ हो रहा है यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में यूज़ हो रहा है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके अंदर इसके अलावा ये जो है उन पेशेंट्स के अंदर भी यूज़ हो रही होती है जिनका जो ब्लड प्रेशर है बीपी वो एक मेडिसिन से ना जो है वो कम हो। और इसके अलावा उन पेशेंट्स को भी ये दी जा रही होती है मेडिसिन जिनको जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए एक से ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती हो और या उनको जो है अपना कोई ख़ास एक गोल होता है जिसमें ब्लड प्रेशर के चार्ट्स वगैरह होते हैं उस तक बीपी लाने को एक ख़ास कंट्रोल रेंज तक लाने में, तो उसके अंदर भी ये मेडिसिन दी जा रही होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत से हैं। अगर आपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स डिटेल में देखने हैं तो मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। कार्ड भी आ रहा होगा ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलें अब ये बात कर लेते हैं कि इसको क्या प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए या नहीं, यानी जो प्रेगनेंट वुमेन है या फिर जो मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है उनके लिए क्या ये सूटेबल है या नहीं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी के अंदर चूँकि इसके अंदर वेलसार्टन भी है और इसके अलावा एम्लोडिपिन भी है यानी कि 2 मेडिसन्स हैं, तो इसके अंदर यही बता रहे हैं कि एक जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है जो कि इसके अंदर वेलसार्टन है और उस वो जो है प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो नॉट रिकमेंडेड है यानी कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, शुड नॉट बी इनिशिएटेड। इसके अलावा देखें तो नर्सिंग मदर्स के अंदर जो यहाँ पर बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दी ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल्सो इन प्रेगनेंसी। तो ये जो है नॉट रिकमेंडेड है, आप इसको प्रेगनेंसी के अंदर या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ना यूज़ करें, उसकी जगह आप कोई अल्टरनेटिव यानी कि दूसरी किस्म की अच्छी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट या फिर अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके यूजेस बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये मेडिसिन किस लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको खुद से यूज़ करना शुरू कर दें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे मैंने आपको बताया और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसलिए इसे ध्यान से यूज़ करें। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस के लिए यानी इसके दूसरे मेडिसिन के साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये आपके केस के लिए बेहतर है या नहीं और इसको किन कंडीशन में नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको अपने फिजिशियन के कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो और या आपको ये मेडिसिन ख़रीदनी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा और ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दूंगा। और मुझे अपना सजेशन भी दें कोई वीडियो से रिलेटेड और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या इससे फ़ायदा हुआ। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।